नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। अपने 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जो सिंहासन हाथ लगा उसकी एक महत्वपूर्ण वजह रही कृषि ऋण माफी और धान की कीमत प्रति क्विंटल 25 रुपये करने की घोषणा। अब 2023 के ऋण में भी बघेल सरकार किसानों को रिझाने की, अन्नदाताओं को रिझाने की पूरी तैयारी में है। प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सरकार के पास कई योजना तैयार हैं, लेकिन उनकी घोषणा समय देखकर सरकार करेगी। लेकिन यह बात तो तय है कि सरकार की योजनाओं में केंद्र बिंदु में किसान, मजदूर वर्ग और छोटे व्यापारी ही रहेंगे। अभी तक 23 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ औसत उत्पादन वाले किसान खरीदी पर कैपिंग की वजह से प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर बेच पाते थे। इसका दायरा बढ़ाकर 20 क्विंटल होने से धान उत्पादक किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। किसान कई वर्षों से धान खरीदी पर लगी यह कैपिंग हटाने की भी मांग करते आ रहे हैं। सरकार अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रति एकड़ 9000 रुपयों की इनपुट सब्सिडी को मिलाकर धान की जितनी कीमत दे रही है वह पूरे देश में सर्वाधिक है। अगले साल केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये का भी इजाफा किया तो छत्तीसगढ़ के किसान के हाथ में एक क्विंटल का 2740 रुपये आएगा। मंत्री रविंद्र चौबे को भरोसा है कि सरकार की नीतियों की बदौलत कांग्रेस 75 से भी अधिक सीटें जीतेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्र में किसान थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की थी, वहीं धान की कीमत प्रति क्विंटल 2500 रुपये करने की घोषणा भी की थी। तो कहा जा सकता है कि इस बार भी अन्नदाताओं के हाथ ही कांग्रेस की किस्मत है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।